ब्यूरो चीफ करनाल तिलकराज बंसल की रिपोर्ट। जिले के सिविल अस्पताल में एक बिनब्याही नाबालिगा मां बनी, इसकी किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी गई। चौंकाने वाले इस मामले में 16 मई को जींद के सिविल अस्पताल में एक बिनब्याही नाबालिगा प्रसव पीड़ा में पहुंचती है, उसके साथ सफेद कुर्ते पैजामे वाला एक युवक भी था। सिविल अस्पताल के प्रसूति वार्ड में महिला चिकित्सक इस बिनब्याही नाबालिका की तुरंत जांच करती है और उन्हें लगता है कि तुरंत इस गर्भवती बिनब्याही नाबालिका का सिजेरियन नहीं किया गया तो मां और बच्चे की जिंदगी को खतरा पैदा हो जाएगा। बिनब्याही मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच की गई तो बच्चे का प्लस रेड बहुत कम था, उसे तुरंत गर्भ से बाहर निकालना जरूरी था, इसके लिए ऑपरेशन करने का फैसला हुआ। सिजेरियन से मां और बेटे की जिंदगी तो बचा ली गई, लेकिन इस बिनब्याही नाबालिका का इस तरह सिविल अस्पताल में सिजेरियन किए जाने वाले अस्पताल के अधिकारियों से लेकर पुलिस तक किसी को भी सूचना नहीं दी गई। मामला पूरे 12 दिन तक दबाए रखा गया। सोमवार को इस मामले की भनक जनता की जंग ABPS न्यूज को मिली तो पूरे मामले को खंगाला गया। सिविल अस्पताल के अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारियों से बात की गई। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम ने अस्पताल के प्रसूति वार्ड के रिकॉर्ड को तलब किया है। इसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है कि अस्पताल में 16 मई को एक नाबालिगा का सिजेरियन हुआ। डॉक्टर पालेराम ने कहा कि इस तरह सिजेरियन की सूचना पुलिस और प्रशासन तथा सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी। मामले में विभागीय जांच होगी। SSP ने कहा, मामले की हो रही जांच SSP डॉक्टर अरुण सिंह ने बताया कि मामले में जांच शुरू की है। कायदे से इस तरह किसी बिन ब्याही नाबालिगा की डिलीवरी करवाने से पहले या इसके तुरंत बाद सूचना DC, SSP और सिविल सर्जन को दी जानी चाहिए थी। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है, यह जांच का विषय है और स्वास्थ्य विभाग को इसकी अलग से जांच करनी चाहिए।